आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को नगर निगम के नए सदन में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह के नेतृत्व में संबंधित कार्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा पर संबंधित कार्यों के साथ चर्चा कर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत नगर निगम के तहत आने वाले सभी घरों पर तिरंगा लगाए जाने आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में नगर महापौर सीताराम जायसवाल सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में चिटवन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, इस वर्ष हम लोग आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक पूरे देश में प्रत्येक घर में तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम ने गोरखपुर ने अपने तमाम कार्यक्रम विभिन्न तिथिवार आयोजित करने के जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रखी है आज उसी की बैठक की जा रही है और हम लोगों ने जो एक कार्यक्रम सुनिश्चित किए हैं उनमें से 10 तारीख को हम लोग जो है सर्किट हाउस से 300 से ऊपर चार पहिया वाहनों की तिरंगा रैली निकालने जा रहे हैं जिसमें आगे एक बड़े से रथ पर जो भारत माता की फोटो लगी होगी और आगे साउंड बॉक्स के माध्यम से पूरे शहर में देशभक्ति के गाने गूंजते रहेंगे और ये जो रैली है पूरे शहर में घूमेगी और लोगों के मन में देश भावना की जो एक अलग सी छाप छोड़ेगी। 11 तारीख को हम लोग जो हैं तिरंगा मैराथन का आयोजन जो है महात्मा गांधी की मूर्ति के पास से या जो हमारा शहीद स्मारक है वहां से करेंगे और लगभग 12 किलोमीटर की लंबी ये तिरंगा मैराथन होगी जिसमें सभी वर्गों के लोग भाग लेंगे और इसमें हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज 51,000 का, सेकंड प्राइज 31,000 का और जो थर्ड प्राइज है वो 21,000 का हम लोगों ने रखा है। साथ साथ इनको एक अट्रैक्टिव शील्ड भी दी जाए।